एक तरफ तो एनडीए सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। इसी बीच नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ से पहले जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एक बड़ा दावा कर दिया। केसी त्यागी ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दे रहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि जिन नेताओं ने पहले नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, वो उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दे रहे हैं। केसी त्यागी के इस बयान के बाद केंद्र में नई सरकार गठन के पहले सियासी खलबली मच गई है। हालांकि केसी त्यागी का कहना है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद का ऑफर ठुकरा दिया। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि एनडीए में शामिल बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 7 जून को संसदीय दल की मीटिंग में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव दिया। वहीं राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद 9 जून को शपथ की तारीख तय हुई है। अब केसी त्यागी के इस बयान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।